gentlemen, may I have your attention, please? The show starts 3, 2, 1. तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो फिजिक्स का एक सबसे मोस्ट टॉपिक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, क्या है डायमेंशन, क्या है बीमा। तो आइए आज हम लोगों का लेक्चर जो है वह बीमा के बारे में है, आइए हम लोग बीमा के बारे में पढ़ते हैं। तो गाइज हम लोग क्या पढ़ेंगे, डायमेंशन, क्या पढ़ेंगे, डायमेंशन मतलब बीमा, बीमा। तो गाइस बीमा क्या होता है, आइए सबसे पहले ये जानते हैं। सबसे पहले बीमा जानने से पहले गाइस आइए हम लोग ये जान जाते हैं कि राशियां पहले कितनी प्रकार की होती हैं। बीमा जानने से पहले गाइस पहले हम लोग ये देखते हैं राशि या क्वांटिटीज। गाय जो राशियां होती हैं यह कितनी प्रकार की होती हैं? तो गाय जो राशियां होती हैं यह मुख्यतः तीन प्रकार की होती हैं। जो राशियां होती हैं यह मुख्यतः तीन प्रकार की होती हैं। पहला क्या होता है, मूल राशि, मूल राशि। तो गाय जो पहला होता है वह क्या होता है, मूल राशि। दूसरा क्या होता है, पूरक राशि। दूसरा क्या होता है, पूरक राशि। दूसरा होता है भौतिक राशि। दूसरा क्या होता है, भौतिक राशि। और तीसरा क्या होता है, पूरक राशि। तो गाइस जो राशियां होती हैं वह मुख्यतः तीन प्रकार की होती है। पहला होता है मूल राशि, दूसरा होता है भौतिक राशि, तीसरा होता है पूरक राशि। अब मूल राशि क्या होते हैं, वे राशियां जिनका स्वयं का मात्रक होता है, वे राशियां जिनका स्वयं का मात्रक होता है, वे किसी भी दूसरे पर आश्रित नहीं होती हैं, उसे मूल राशि कहते हैं। भौतिक राशियां वे राशियां जिनका स्वयं का मात्रक नहीं होता है, जो मूल राशियों पर निर्भर होती हैं, उसे भौतिक राशियां कहती हैं, कहते हैं। और तीसरा होता है पूरक राशि, वे राशियां जिसे मापा ना जा सके उसे पूरक राशि कहते हैं। आइए गाइस जैसे क्या होगा, मूल राशि जिसका स्वयं का मात्रक हो, जिसका स्वयं का मात्रक हो। तो गाइस जिसका स्वयं का मात्रक हो, मतलब वे राशियां जिनका स्वयं का मात्रक हो और वे किसी दूसरे पर निर्भर ना हो, किसी दूसरे पर डिपेंड ना हो, तो उसे क्या बोलते हैं, मूल राशियां। मूल राशियां गाइस प्रायः सात होती हैं, अभी हम लोग इसके बारे में जानेंगे। और जो भौतिक राशियां होती हैं जिनका स्वयं का मात्रक नहीं होता है, जो मूल राशियों पर निर्भर होती हैं। तो गाइस आइए लिखते हैं, इनका स्वयं का मात्रक नहीं होता है, इनका स्वयं का मात्रक नहीं होता है, ये मूल मात्रकों पर निर्भर होते हैं, मूल मात्रकों पर निर्भर होते हैं। गाय जैसे इसका एग्जाम्पल हो जाएगा लंबाई, द्रव्यमान, समय इत्यादि। अभी गाय जिसके बारे में मैं आपको चार्ट बनवा के बताऊंगा। और जैसे इसका हो गया घनत्व, इसके बाद और क्या हो जाएगा, त्वरण, वेग, विस्थापन, ये सब गाइज किस में आ जाएंगे, भौतिक राशियों में। फिर इसके बाद गाइज पूरक राशियां होती हैं, वे राशियां जिसे मापा ही ना जा सके उसे पूरक राशि कहते हैं। इसे इसे नहीं गाइज जिसे हो है, जिसे अच्छा रहेगा, जिसे मापा ना जा सके।
गाय जिसे मापा ही ना जा सके उसे कौन सी राशि कहते हैं? राशि कहते हैं पूरक राशि। मूल राशि मूल मात्रक क्या होते हैं? मूल राशियां क्या होती है? वे राशियां जिनका स्वयं का मात्रक हो उसे मूल राशि कहते हैं। मूल राशि के मात्रक को मूल मात्रक कहते हैं। इसके बाद क्या आता है? भौतिक राशि। वे राशियां जिनका स्वयं का मात्रक नहीं होता है उनका मात्रक मूल मात्रकों पर निर्भर करता है। इसके बाद फिर आता है पूरक राशि। वे राशियां जिसे मापा ही ना जा सके। अब गाइस आप लोग बताइए वे राशियां जिसे मापा ही ना जा सके वे राशियां हैं क्या आखिर? अगर आप लोग जानते होंगे तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। जैसे गाइस इसमें क्या आता है? आश्चर्य आता है, प्रसन्नता आता है, दुख आता है, खुशी आता है। गाइस ये सभी इस प्रकार के जो कंडीशन होते हैं वह उसे मापते नहीं। जैसे आप कहते हैं मैं 2 किलो आश्चर्य हूँ, मैं 5 किलो प्रसन्न हूँ, मैं 2 किलो दुखी हूँ, मैं 7 किलो खुशी हूँ। नहीं गाइस, यह सभी यह जो भाव है जो यह जो पूरक राशि है यह क्या व्यक्त करती है? भाव को व्यक्त करती है, इसीलिए इसे मापा नहीं जा सकता है। तो गाइस आई होप आप लोग राशियों के बारे में समझ गए होंगे। जो राशियां होती हैं वह 3 प्रकार की होती हैं। पहला होता है मूल राशि, जिसे वह राशि जो जो किसी दूसरे पर डिपेंड ना हो, जिसका स्वयं का मात्रक हो तो उसे मूल राशि कहते हैं। मूल राशि के मात्रक को मूल मात्रक कहते हैं। फिर इसके बाद आता है भौतिक राशियां। वे राशियां जो मूल राशियों के मात्रकों पर निर्भर करती हैं उसे भौतिक राशियां कहते हैं। फिर आता है पूरक राशियां। वे राशियां जिसे मापा ही ना जा सके उसे पूरक राशि कहते हैं। और गाइस यह सब इसका क्या है? एग्जाम्पल है। यह क्या इसका एग्जाम्पल है? तो गाइज आप लोग वीडियो को पास करके इसके एग्जाम्पल को लिख लीजिए। अब आइए नेक्स्ट हम लोग क्या पढ़ेंगे, मूल राशियां कितनी होती हैं। अब भौतिक राशियां तो आप लोग जान ही गए, ये सब घनत्व, तो त्वरण, वेग, विस्थापन, यह सब भौतिक राशि होती हैं। अब आइए हम लोग मूल राशि के बारे में जानते हैं। तो गाइज पहले मूल मात्रक के बारे में जानने, मूल राशियों के बारे में जानने से पहले बीमा के आप बारे में जान लेते हैं। हमने राशि के बारे में जाना, राशि 3 प्रकार का होता है। पहला होता है मूल राशि, दूसरा होता है भौतिक राशि, तीसरा होता है पूरक राशि। अब राशि जान गए, अब आइए बीमा जानते हैं। बीमा के बाद भौतिक जो मूल राशि के प्रकार होते हैं उसके बारे में जानेंगे। तो गाइज बीमा क्या होता है, आइए बीमा के बारे में जानते हैं। बीमा तो गाइज बीमा वे घाते होती हैं, बीमा वे घाते होती हैं जिसे मूल मात्रकों पर चढ़ाते हैं। अभी गाइज नीचे बताएंगे मूल मात्रक क्या होते हैं, उन्हीं के ऊपर चढ़ाते हैं। जैसे गाइज मूल मात्रक हो क्या ML, अब यह हम क्या है मीटर है, मीटर को एम से कहा, यह हम क्या है द्रव्यमान है, और जो L है यह मीटर है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर M³ हो गया, L² हो गया, इसके बाद L- भी हो सकता है, यह माइनस भी हो सकता है। तो गाइस जैसे यह जो घाते हैं इन्हीं घातों को ही बीमा कहते हैं। बीमा कुछ भी नहीं, बीमा आर नथिंग, बीमा इज ओनली घात, बीमा इज केवल घात है, जो बीमा केवल क्यूब है, बीमा इज नथिंग, बीमा इज ओनली क्यूब, बीमा कुछ भी नहीं, बीमा केवल घात है। तो इसका क्या होता है बीमा? अब जैसे मूल मात्रक हैं, मूल मात्रक 7 होते हैं, तो मूल मात्रकों के जो ऊपर घाते होती हैं, जैसे मूल मात्रक के ऊपर ये घात हो गई, तो बीमा वे घाते होती हैं जो मूल मात्रकों के ऊपर उपस्थित होती हैं, या जिसे मूल मात्रकों पर चढ़ाते हैं, या जिसे मूल मात्रकों पर लगाते हैं, तो उसे बीमा कहते हैं। बीमा कुछ भी नहीं, बीमा केवल क्या है घात है, बीमा क्या है घात है। तो बीमा वे घाते होती हैं, जैसे यह मूल मात्रक हो गया तो यही क्या है उसकी बीमा है, मूल मात्रों के ऊपर वाली घात को, जैसे मूल मात्रक में यह यम आता है, इसके ऊपर का यह जो घात है इसी को बीमा कहते हैं। बीमा कुछ भी नहीं है, केवल बीमा घाते होती हैं। तो क्या होता है बीमा वे घाते होती हैं जो मूल मात्रों के ऊपर उपस्थित होती हैं, बीमा वे घाते होती हैं, बीमा वे घाते होती हैं जो मूल मात्रों के ऊपर उपस्थित होते हैं। मूल मात्रक कितने होते हैं? केवल 7 होते हैं। यह भौतिक मात्रक जो भौतिक राशियों के मात्रक होते हैं उस पर नहीं, केवल मूत्र मूल मात्रकों पर निर्भर करती है, मूल मात्रों के ऊपर लगी रहती है। तो गाइज आइए लिखते हैं बीमा वे घाते होती हैं जो
मूल मात्र को के ऊपर, जो मूल मात्रकों के ऊपर उपस्थित होती हैं, तो इसे क्या बोलते हैं? बीमा कहते हैं। तो गाइस ये हो गया बीमा की परिभाषा। बीमा बीमा वे घाती होते हैं जो मूल मात्रकों के ऊपर उपस्थित होती हैं, तो उसे बीमा कहते हैं। तो अब गाइस आइए मूल राश के मूल राशियां कितनी होती हैं, उनके मूल मात्रक कितने होते हैं, उनके बीमा क्या होते हैं, आइए हम लोग उसके बारे में जानते हैं। तो गाइस हम लोग एक कॉलम बनाएंगे जिसमें लिखेंगे मूल राशि, यह हो जाएगा मूल राशि, मूल मात्रक, फिर क्या हो जाएगा बीमा। तो गाइज आइए पहले लिखते हैं मूल राशि। तो गाइज जो मूल राशि होते हैं मुख्यतः या सात होती हैं। पहला क्या होता है? लंबाई। दूसरा द्रव्यमान। तीसरा समय। चौथा ताप। पांचवा ज्योति तीव्रता। पांच छठवा विद्युत धारा। सातवां पदार्थ की मात्रा। तो गाइस यह होता है मूल राशियां। मूल राशियां मुख्यतः सात होती है। पहला होता है लंबाई, दूसरा द्रव्यमान, तीसरा समय, चौथा ताप, पांचवा ज्योति तीव्रता, छठवां विद्युत धारा, सातवां पदार्थ की मात्रा। तो गाइस अब इनके मात्रक क्या होते हैं, आइए इसके बारे में जानते हैं। जो लंबाई होता है इसका मात्रक सभी लोग जानते होंगे, क्या होता है? मीटर, स्मॉल एम। जो द्रव्यमान होता है इसका क्या होता है? किलोग्राम, इस्माल में। जो समय होता है इसका इस्माल टी होता है। फिर इसके बाद जो ताप होता है इसे थीटा या केल्विन से व्यक्त करते हैं, थीटा या केल्विन। इसके बाद जो ज्योति तीव्रता है इसको किससे व्यक्त करते हैं? कैंडेला, कैंडेला। और जो विद्युत धारा होता है इसे किससे व्यक्त करते हैं? एम्पियर से, एएमपी। फिर इसके बाद जो पदार्थ की मात्रा होता है इसे किससे व्यक्त करते हैं? मोल से, किससे? मोल से। गाइस इसे क्या बोलते हैं? मीटर। इसे किलोग्राम। इसे क्या बोलते हैं? केल्विन या थीटा। फिर इसके बाद इसे क्या बोलते हैं? कैंडेला। नेक्स्ट क्या है गाइस? एम्पियर। नेक्स्ट क्या है? मोल। तो गाइस यह इसका क्या होता है? मूल मात्रक। यही मूल मात्रक है, यही मूल मात्रक है। तो बीमा वे घाते होती है जो मूल मात्रकों के बीमा के ऊपर उपस्थित होते हैं, या मूल मात्रकों के ऊपर उपस्थित होते हैं, यह भी सही है। तो गाइस क्या है? बीमा वे घाते होती हैं, बीमा वे घाते होती हैं जो मूल मात्रकों के ऊपर उपस्थित होती हैं। और यह मूल मात्रक कितने हैं? मुख्यतः सात है। क्या है? मीटर, किलोग्राम, समय, थीटा, केल्विन, कैंडेला, पदार्थ की मात्रा, और क्या है? विद्युत धारा, एम्पियर। तो गाइस यह जो इतने मात्रक हैं यह सब क्या हैं? मूल मात्रक है। अब आइए इनके बीमा के बारे में जान लेते हैं। तो गाइस जो लंबाई है इसका मीटर होता है, मीटर की बीमा क्या होती है? एल होती है। यह गाइस बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और हमेशा बीमा को बड़े कोष्ठक में लिखा जाता है। और जो द्रव्यमान है, द्रव्यमान का किलोग्राम। गाइस जो लंबाई होता है, लंबाई को लेंथ से इंग्लिश में व्यक्त करते हैं। तो लेंथ का पहला जैसे यह हो गया लेंथ,
लेंथ का पहला वर्ड एल, तो इसलिए इसका बीमा क्या हो जाएगा एल। और द्रव्यमान को इंग्लिश में लिखते हैं मास, मास मतलब द्रव्यमान, तो द्रव्यमान का पहला वर्ड एम, तो इसलिए इसका जो बीमा हो जाएगा वह क्या हो जाएगा कैपिटल एम। फिर इसके बाद आता है समय, समय को किससे लिखते हैं इंग्लिश में टाइम, तो इसका जो फर्स्ट वर्ड है कौन है टी, तो इसका बीमा क्या हो जाएगा कैपिटल टी। फिर नेक्स्ट क्या है ताप, ताप को किससे व्यक्त करते हैं केल्विन, केल्विन, तो इसका यहाँ पर या फिर केल्विन हो जाएगा या फिर थीटा हो जाएगा, तो अधिकांश लोग गाइस थीटा दिखाते हैं, तो इसलिए हम लोग इसका ताप का बीमा क्या दिखा देंगे थीटा। फिर इसके बाद गाइस नेक्स्ट है ज्योति तीव्रता, ज्योति तीव्रता को कैंडेला से व्यक्त करते हैं, ज्योति तीव्रता को का मात्रक कैंडेला होता है और इसका बीमा भी क्या होता है कैंडेला। फिलहाल गाइस ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, कभी भी नहीं पूछता, मोस्ट इंपॉर्टेंट केवल यही चारों हैं, बस केवल यही चारों, केवल यही चारों आपको याद करना है। लंबाई की बीला, लंबाई की बीमा एल, द्रव्यमान की बीमा एम, समय की बीमा टी, और इसके बाद ताप की बीमा थीटा, इसके बाद कैंडेला की बीमा सी डी, इसके बाद विद्युत धारा एम्पियर की बीमा ए एम पी, एम्पियर ही रहेगा गाइस। जो सी यहाँ पर छोटे में था यहाँ पर बड़े में हो जाएगा, मात्रक में छोटे में था और जो बीमा हो जाएगा यहाँ पर बड़े में आ जाएगा, और जो पदार्थ की मात्रा मोल है या ऐसे छोटे में ही रहेगी, यह क्या हो गया पदार्थ की मात्रा मोल। तो गाइस यह हो गया मूल मूल राशि, मूल मात्रक, क्या क्या हो गया बीमा। गाइस इसमें से जो हमारा मूल राशियां होती हैं केवल इसमें से केवल चार बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो हमारे बोर्ड एग्जाम तक पूछा जाता है और कई कंपटीशन लेवल तक भी पूछा जाता है, केवल यही चारों अत्यधिक करके यही चारों आते हैं, केवल यही चारों, इन्हीं चारों को आपको याद कर लेना है। लंबाई की बीमा एल, लंबाई का मात्रक मीटर, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, द्रव्यमान की बीमा एम, समय का मात्रक टाइम, समय की बीमा टी, ताप का मात्रक थीटा या केल्विन, इसका बीमा थीटा। इसके बाद आता है ज्योति तीव्रता, ज्योति की तीव्रता का मूल मात्रक या मात्रक क्या होगा कैंडेला, इसका बीमा सीडी। फिर इसके बाद आता है विद्युत धारा, विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर, इसका बीमा एम्पियर। फिर इसके बाद आता है पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की मात्रा मोल, मोल का मात्रक क्या हो जाएगा, मोल का बीमा क्या हो जाएगा मोल हो जाएगा। तो गाइस इन सब में सबसे इंपॉर्टेंट केवल यही चार हैं और यही चार आपको याद भी करना है, इसे छोड़ दीजिए आपके इंटर लेवल तक और कंपटीशन में भी बहुत कम पूछता है, लेकिन ये चारों बहुत अत्यधिक पूछते हैं। तो इसमें लंबाई के बीमा एल हो जाएगा, इसके बाद द्रव्यमान की बीमा एम हो जाएगा, समय की बीमा टी हो जाएगा और ताप की बीमा थीटा हो जाएगा। तो गाइज आप लोग मूल राशियाँ जान गए, मूल मात्रक जान गए, बीमा जान गए, अब इन्हीं जो मूल मात्रकों से क्या बना है भौतिक राशियाँ बनी है। भौतिक राशियाँ क्या होती हैं, वे राशियाँ जिनका स्वयं का मात्रक नहीं होता है, जो मूल राशियों के मात्रकों पर निर्भर होती हैं उसे क्या बोलते हैं भौतिक राशियाँ। तो गाइज ये हम लोग मूल मात्रक जान गए, मूल मात्रक के जो मूल राशियाँ होती हैं, मूल राशियों के मूल मात्रक जान गए, मूल मात्रक की बीमा जान गए। अब नेक्स्ट है हम लोगों का भौतिक राशियों के मात्रक व बीमा, तो गाइज आइए हम लोग उसके बारे में जानते हैं। तो गाइज आइए इसे साफ करते हैं, तो भौतिक राशियों का मात्रक लिख रहे हैं, तो हेडिंग क्या है कुछ भौतिक राशियों का मात्रक। तो गाइज अब यहाँ पर देखिए भौतिक राशियों के मात्रक व बीमा, अगर मान लीजिए पहला क्या हो गया क्षेत्रफल, ऐसे क्या पहला अगर क्षेत्रफल है तो गाइज क्षेत्रफल का बीमा क्या होगा, क्षेत्रफल बराबर क्या होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, हमेशा क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई, आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई, वर्ग का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई। गाइज उसके आगे जो जैसे आयत का परिमाप, आयत का क्षेत्रफल, यह सब जो होता है यह सब जैसे क्षेत्रफल है तो क्षेत्रफल में लंबाई गुणे चौड़ाई आएगा, चाहे अगर इसके आगे टू आए या फोर आए इससे मतलब नहीं है, केवल हम लोगों को क्षेत्रफल देखना है। क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई गुणे चौड़ाई। अब गाइज जैसे कोई कोई भी वस्तु है हम लोग बोलेंगे यह 5 मीटर लंबा है 4 मीटर चौड़ा है, 5 मीटर लंबा है 4 मीटर चौड़ा है, इसका क्या हो गया चौड़ाई। तो चौड़ाई को भी दूरी में ही ले रहे हैं ना, चौड़ाई को भी हम लोग दूरी में ही ले रहे हैं और लंबाई को भी दूरी में ही ले रहे हैं, तो दोनों दूरी हैं, दोनों क्या है दूरी हैं, लेंथ है, दोनों लंबाई हैं, दूरी नहीं लंबाई है।
जैसे यहाँ से यहाँ तक यह इतना लंबा है और यह भी इतना लंबा है, तो दोनों लंबाई है नगाय, दूरी नहीं है बल्कि यह लंबाई है, तो दोनों लंबाई है तो लंबाई का मात्रक क्या होता है मीटर, तो दोनों मिलकर के क्या हो जाएंगे मीटर स्क्वायर, इसका मात्रक मीटर, इसका मात्रक मीटर, तो क्या हो जाएगा मीटर स्क्वायर। अभी हम लोगों ने पढ़ा लंबाई के बीमा एल होती है, तो इसका बीमा क्या हो जाएगा एल हो जाएगा, और इसका घात दो है तो ऐसे इसका घात भी दो हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा एल स्क्वायर। क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल का सूत्र लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई जो होता है यह तो लंबाई होता है और चौड़ाई भी लेंथ में ही होता है, जैसे या इतना चौड़ा या इतना चौड़ा, इसको मापेंगे एक लंबाई होगा इसका ना, तो दोनों का मात्रक मीटर होता है, तो मीटर गुणे मीटर बराबर मीटर स्क्वायर, तो अब मीटर स्क्वायर है तो जो हम लोग जानते हैं लंबाई की बीमा एल होती है, तो एल लगा दिए और इसका घात दो होता है तो यहाँ पर दो लगा दिए, तो क्षेत्रफल की बीमा क्या हो गया एल स्क्वायर। अब आइए हम लोग जानते हैं आयतन, दूसरा क्या हो जाएगा आयतन। अब गाइज आयतन का सूत्र क्या होता है, आयतन का सूत्र होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। अब गाइज हम लोगों ने अभी यहाँ से क्या सीखा कि जो लंबाई होता है या तो लंबाई होता है चौड़ाई भी लंबाई होता है, जैसे गाइज मान लीजिए या कोई भी वस्तु है, अब अगर हम लोग इसमें बताएं कि जैसे मान लीजिए यह इसकी क्या है लंबाई है और यह जो है इसकी चौड़ाई, या जो है इसकी चौड़ाई है और यह इसकी लंबाई है और यह जो इसकी ऊंचाई है या उसकी ऊंचाई है, तो सब जितने में लिए जा रहे हैं या इसकी ऊंचाई है इसकी लंबाई है इसकी चौड़ाई है, तो जो लिए जा रहे हैं सब एक लंबाई में ही लिए जा रहे हैं ना, कुछ तो लंबा होगा सब लंबाई के अनुपात में लिए जा रहे हैं, तो इसलिए इनका जो मात्रक हो जाएगा यम गुड़े यम, सबका मात्रक क्या हो जाएगा मीटर, क्योंकि यह भी लंबाई यह भी लंबाई यह भी लंबाई, इसका भी मात्रक मीटर इसका भी मात्रक मीटर इसका भी मात्रक मीटर, तो तीनों का मात्रक मीटर हो गया, तो अंत में क्या हो जाएगा यह मीटर क्यूब, तो इसका बीमा क्या हो जाएगा, अब मीटर आया या लंबाई है तो लंबाई की बीमा क्या होता है एल, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा एल क्यूब, हमेशा बड़े कोष्टक में लिखेंगे एल क्यूब। अब इसके बाद गाइस नेक्स्ट आता है क्षेत्रफल हो गया आयतन हो गया, अब गाय जाता है चाल, तीसरा गाइस वेग या चाल दोनों का बीमा समान होता है, तो वेग या चाल इसका क्या होगा गाइस, चाल बराबर क्या होता है दूरी बटा समय, चाल बराबर क्या होता है दूरी बटा समय, दूरी बटा समय। अब गाइस दूरी क्या होता है, दूरी भी एक लंबाई होती है, जैसे मान लीजिए यह हमारा घर है, यह हमारा घर है ना, जैसे मान लीजिए यह हमारा घर है और यह हमारे घर का रोड, अब हम यहाँ से इतना दूर आए हैं तो इतना जो पूरा है या कैसा या लंबा ही है ना, यहाँ से हम लोग यहाँ तक है मतलब इतनी लंबाई तय करे हैं, तो इतनी लंबाई जब हम लोग तय करें तो यह किस में मापा जाएगा मीटर में ही मापा जाएगा ना, तो गाइस इसलिए जो दूरी होता है या भी लंबाई में ही आता है। अब हम लोग यहाँ से हम लोग बोले मैं अपने घर से सड़क, जैसे मान लीजिए यहाँ पर है सड़क, मैं अपने घर से सड़क तक गया, तो आप अपने घर से सड़क तक जा रहे हैं तो कुछ तो लंबाई है कुछ तो दूरी है, दूरी का मात्रक मीटर होता है, तो आप इतनी लंबाई तक हम गए तो लंबाई का भी मात्रक क्या हो जाएगा मीटर हो जाएगा, तो दूरी का मात्रक यहाँ से क्या पता चला मीटर हुआ। और गाइस समय, समय का मात्रक सेकंड होता है आप लोग जानते हैं, तो समय का मात्रक क्या हो जाएगा सेकंड। अब इस सेकंड को यहाँ पर इसकी घात एक होता है, अब गाइस अगर इस सेकंड को हम लोग ऊपर लेकर जाते हैं तो यह इनवर्स में चला जाता है, तो क्या हो जाएगा मीटर सेकंड इनवर्स, जो यहाँ पर घात पॉजिटिव होता है या हमेशा ऊपर जाने के बाद क्या हो जाता है निगेटिव। गाइज ये मैथ का रूल है आप लोग जानते रहिए, जब भी बटा से कोई चीज़ ऊपर लेकर जाते हैं तो वह हमेशा ऋणात्मक हो जाता है, तो यहाँ पर इसका क्या होगा मात्रक मीटर सेकंड इनवर्स। अब मीटर, जो मीटर की बीमा, मीटर क्या है किसका मात्रक है लंबाई का, तो लंबाई की बीमा क्या हो जाएगा यल। फिर उसके बाद जो समय है, समय का बीमा क्या हो जाएगा टी टी, तो टी की घात यहाँ पर क्या इनवर्स, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा यल टी इनवर्स, तो क्या हो जाएगा यल टी इनवर्स हो जाएगा। अब इसके बाद गाय जब हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे त्वरण, गाय जब हम लोगों का जो चौथा है वह है त्वरण,
अब गाइस त्वरण बराबर क्या होता है? त्वरण बराबर होता है वेग परिवर्तन बटा समय अंतराल। वेग परिवर्तन बटा समयांतराल। अब गाइस जैसे मान लीजिए वेग है, हम लोगों ने अभी वेग का भी क्या निकाला, एल टी इनवर्स। अब चाहे वह वेग परिवर्तन हो चाहे नियत हो, तो वह तो वेग ही है ना। अब चाहे वह परिवर्तित होता रहे चाहे नियत होता रहे, उससे मतलब नहीं है। तो वेग जो है तो यहाँ से हम लोगों का डायरेक्ट मात्रक नहीं निकालेंगे, डायरेक्ट वेग का बीमा हम लोग जानते हैं एल टी इनवर्स। तो अब यहाँ पर एल टी इनवर्स रख देंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा एल टी इनवर्स। कहाँ से रखे? यहाँ से हमने वेग का बीमा यहाँ पर निकाला। वेग बराबर दूरी बटा समय होता है, दूरी का मात्रक मीटर और उसका बटा सेकंड। जब सेकंड को ऊपर ले जाते हैं तो यह मीटर सेकंड इनवर्स में आ जाता है। मीटर किसका मात्रक होता है? लंबाई का। लंबाई का बीमा एल हो जाता है, समय का बीमा टी हो जाता है, तो यह हो जाता है एल टी इनवर्स। अब एल टी इनवर्स को यहाँ पर रखेंगे वेग परिवर्तन के समय, और इसके बाद यहाँ पर आता है समय अंतराल। समय अंतराल मतलब समय के बीच में अंतराल। जैसे मतलब कोई समय T1 पर कोई वस्तु W1 कार्य कर रहा है, और T2 पर कोई भी वस्तु W2 कार्य कर रहा है, तो अब हमें समय अंतराल निकालना है। तो T1 माइनस T2 इतना निकालेंगे। तो गाइज यह समय अंतराल निकाल रहे हैं ना, मतलब कुछ समय निकाल रहे हैं, तो समय का मात्रक यहाँ पर भी क्या हो जाएगा? सेकंड हो जाएगा। तो यहाँ पर समय का मात्रक सेकंड, सेकंड और उसके बाद समय का बीमा क्या हो जाएगा? टी। अब गाइज यह ऊपर जाएगा, अब यह ऊपर जाएगा गाय। जो वेग है वेग परिवर्तन बराबर एल टी इनवर्स, और जो समय अंतराल है समय अंतराल का यहाँ पर टी हो जाएगा। अब यह ऊपर जाएगा तो यह भी यहाँ पर प्लस एक है, प्लस एक है। अब मैंने आपको बताया अगर ऊपर जाएगा तो इसकी घात का क्या हो जाएगा? माइनस एक। तो अब यहाँ पर यह ऊपर आया तो यहाँ पर हो जाएगा एल टी माइनस वन बराबर एल टी माइनस टू। गाइज यह जो घात यहाँ पर पॉजिटिव था ऊपर गया निगेटिव हुआ, तो आप लोग जानते हैं कि गुणा में घातें जुड़ती हैं। अब यह टी आया यहाँ पर गुणे में हो गया, तो यह जो घातें थी आपस में जुड़ गई, तो क्या हो गए? एल टी पावर माइनस टू। किसका बीमा है? त्वरण। तो अभी तक हम लोगों ने किसका बीमा निकाला? क्षेत्रफल का निकाला, आयतन का निकाला, त्वरण का निकाला और वेग का निकाला। अब हम लोग नेक्स्ट निकालेंगे बल। अब गाइज जो पाँचवा है बल, तो गाय जो बल होता है बल बराबर होता है क्या? द्रव्यमान गुणे त्वरण। जैसे गाइस अब इसमें बल बराबर क्या होता है? बल का सूत्र क्या होता है? द्रव्यमान गुणे त्वरण। मतलब कोई एम द्रव्यमान के वस्तु को हम लोग लेकर जा रहे हैं, बल लगा रहे हैं, तो एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने में उसमें कुछ त्वरण उत्पन्न होगा। त्वरण मतलब उसकी गति का विरोध करेगा। अब हम लोग उस पर बल लगा रहे हैं और वह त्वरण उत्पन्न कर रहा है, तो यही होता है बल का सूत्र। बल बराबर द्रव्यमान मतलब एम द्रव्यमान की वस्तु को ठेल रहे हैं, और जब वो गति की अवस्था में जाता है तो उसमें त्वरण उत्पन्न हो जाता है। तो बल बराबर क्या होता है? द्रव्यमान गुणे त्वरण, द्रव्यमान गुणे त्वरण। अभी हम लोगों ने जाना द्रव्यमान, द्रव्यमान मूल मात्रक है, तो द्रव्यमान का बीमा क्या हो जाएगा? यम हो जाएगा, यम। और इसके बाद अभी हम लोगों ने यहाँ पर त्वरण का बीमा निकाला वेग परिवर्तन बटा समय अंतराल से, तो त्वरण का बीमा क्या निकला? एल टी पावर माइनस टू। तो अब इसको यहाँ पर लिखेंगे एल टी पावर माइनस टू। तो क्या जब इसका गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा? यम एल टी पावर माइनस टू। तो इसका बीमा क्या हो जाएगा? यम एल टी की पावर माइनस टू। तो गाइज अब इसका बीमा क्या हो जाएगा? यम एल टी की पावर माइनस टू। अब गाइज नेक्स्ट है, अब हम लोग नेक्स्ट निकालेंगे कार्य। कार्य बराबर क्या होता है? बल गुणे बल की दिशा में विस्थापन। अब जैसे हम लोग कोई कार्य कर रहे हैं उसमें हमारा एनर्जी लॉस हो रहा है, तो हम लोग कितना बल में कितना बल निकाले और विस्थापन कितना हुआ है, तो उसी को क्या बोलते हैं? कार्य। बल गुणे विस्थापन मतलब कार्य बराबर होता है बल गुणे विस्थापन। मतलब कोई भी वस्तु है हम लोग उसमें कितना फोर्स लगाए उसमें कितना विस्थापन हुआ, उसी को हम लोग कार्य कहते हैं। तो गाइस आइए लिखते हैं छठवां कार्य की बीमा। कार्य
तो गाइस कार्य बराबर क्या होता है, बल गुणे बल की दिशा में विस्थापन, या इसे लिख सकते हैं केवल विस्थापन, केवल विस्थापन। तो गाइस अब नेक्स्ट क्या होगा, बल, बल बराबर क्या होता है द्रव्यमान गुणे त्वरण, और द्रव्यमान और त्वरण बराबर क्या होता है वेग परिवर्तन बटा समय अंतराल। तो अभी हम लोगों ने त्वरण बराबर इतना निकाला, त्वरण का मान यहाँ पर रखा, तो हमें बल का विमा निकला। अब बल का विमा डायरेक्ट यहाँ पर लाकर रखेंगे तो बल का विमा यहाँ पर कितना हो जाएगा, यम एल टी की पावर माइनस टू। अब गुड़े विस्थापन है, मतलब जैसे एक बिंदु से कोई वस्तु ए है या दूसरे बिंदु बी तक जाता है, तो इनके बीच की दूरी को विस्थापन कहते हैं। तो बीच की दूरी आया तो दूरी का मात्रक मीटर होता है, तो इससे विस्थापन क्या हो जाएगा, मीटर हो जाएगा, मीटर। तो विस्थापन एक प्रकार का लंबाई हुआ, लंबाई का मात्रक क्या होता है, यल होता है। तो अब यहाँ पर यल को ऐसे रख देंगे, अब इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका क्या हो जाएगा, यम यल स्क्वायर टी की पावर माइनस टू, यम यल स्क्वायर टी की पावर माइनस टू। किसका बीमा निकल गया, कार्य की बीमा। अब गाइज हम लोग निकालेंगे शक्ति, शक्ति बराबर क्या होता है, कार्य बटा समय। तो नेक्स्ट गाइज हम लोगों का सातवां है शक्ति। तो गाइज शक्ति बराबर क्या होता है, कार्य बटा समय। कार्य बटा समय। तो गाइज अभी हम लोगों ने यहां से कार्य का बीमा निकाला, यम यल स्क्वायर टी की पावर माइनस टू। तो अब इसका बीमा हम लोग यहां पर लाकर रख देंगे तो हो जाएगा यम यल स्क्वायर टी की पावर माइनस टू पूरे का बटा समय है। समय का बीमा क्या है, टी समय क्या है, मूल मात्रक है। तो समय का, समय मूल राशि है, इसका मात्रक क्या होता है, सेकंड होता है। तो समय दे दिया है, समय का बीमा टी हो जाएगा, तो टी को यहाँ पर रख देंगे। अब गाइज यहाँ पर इसका घात एक है, अब यह ऊपर जाएगा, यह जब ऊपर जाएगा तो यहाँ पर यल स्क्वायर है और यहाँ पर टी है। अब यह गाइज जब टी ऊपर जाएगा, मान लीजिए जैसे यहाँ पर पॉजिटिव प्लस वन है, अब यह ऊपर जाएगा तो माइनस वन होगा, तो अब यहाँ पर जा करके जुड़ जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यम यल स्क्वायर टी की पावर माइनस थ्री। क्यों गाइस, क्योंकि यहाँ पर प्लस है, ऊपर गया माइनस हो गया, जानते हैं आप गुणा में घाते जुड़ती हैं, तो यहाँ पर माइनस वन और माइनस टू बराबर क्या हो गया, माइनस थ्री। तो इसका बीमा क्या आ गया गाइस, शक्ति का बीमा, यम यल स्क्वायर टी की पावर माइनस थ्री। तो गाइस आई होप आपको पूरा समझ में आया होगा, आप लोग इसे वीडियो को पास करके लिख लीजिए, फिर चलते हैं आगे। अब गाइस इसमें हम लोगों का क्या है, आठवां, आठवां क्या है, घनत्व। तो गाइस घनत्व बराबर क्या होता है, घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटा आयतन, द्रव्यमान बटा आयतन। गाइज घनत्व बराबर क्या होता है, द्रव्यमान बटा आयतन। जो द्रव्यमान m होता है, द्रव्यमान एक मूल राशि है, मूल राशि, इसका मात्रक क्या हो जाएगा, m हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा m। और गाइज आयतन, आयतन का मात्रक क्या होता है, मीटर गुणे मीटर गुणे मीटर बराबर मीटर क्यूब। अब मीटर क्यूब की बीमा क्या हो जाएगा, यल क्यूब, तो यहाँ पर हो जाएगा यम अपान यल क्यूब। अब इसको ऊपर ला ले जाएंगे तो यहाँ पर जो घात पॉजिटिव है निगेटिव में हो जाएगा, तो इसका बीमा क्या हो जाएगा, यम एल की पावर माइनस थ्री, इसका बीमा एम एल की पावर माइनस थ्री। अब नेक्स्ट है गाइस नवा, दाब। गाइस दाब बराबर क्या होता है, दाब बराबर होता है बल बटा क्षेत्रफल, बल बटा क्षेत्रफल। तो गाइज अभी हम लोगों ने बल का बीमा निकाला था, बल का बीमा क्या था, एम एल टी पावर माइनस टू। तो आप यहाँ पर लिख देते हैं यम यल टी की पावर माइनस टू पूरे का बटा क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल मतलब लंबाई गुणे चौड़ाई, तो मीटर स्क्वायर मीटर स्क्वायर, तो मीटर क्या हो जाएगा, लंबाई, लंबाई की बीमा, तो यहाँ पर हो जाएगा यल स्क्वायर। अब इसको ऊपर लेके जाएंगे तो यार जो पॉजिटिव में है, या जो पॉजिटिव में ऊपर जाएगा निगेटिव में हो जाएगा, तो हो जाएगा यम यल,
कि पावर वन इसका है और यह गया माइनस टू यहाँ पर है, इसके बाद टी की पावर माइनस टू। अब यहाँ माइनस टू में से वन घटाएंगे तो माइनस वन आ जाएगा, तो इसका गाइज क्या हो जाएगा, यामा यल इनवर्स टी की पावर माइनस टू, या किसका बीमा हो गया, दाब का बीमा हो गया। अब गाइज हम लोग दसवां निकालेंगे संवेग, दसवां क्या निकालेंगे, संवेग। संवेग गाइज क्या होता है, इसका सूत्र, संवेग का सूत्र होता है द्रव्यमान गुणे वेग, द्रव्यमान गुणे वेग। तो गाइज अभी द्रव्यमान का बीमा, द्रव्यमान एक मूल राशि है, मूल राशि का बीमा है, द्रव्यमान का बीमा हो जाएगा यम, और वेग का बीमा अभी हम लोगों ने निकाला था एल टी पावर माइनस वन, तो इसका गुणा कर देंगे तो हो जाएगा यम एल टी पावर माइनस वन। तो गाइज यह किसका हो गया, संवेग। अब आइए नेक्स्ट हम लोग ग्यारहवां निकालते हैं आवेग, तो गाइज जो आवेग होता है, आवेग बराबर होता है बल गुणे समयांतराल, बल गुणे समयांतराल। बल गुणे समयांतराल, आवेग बराबर क्या होता है, बल गुणे समयांतराल। अभी गाइज हम लोगों ने बल का बीमा निकाला था, बल बराबर विस्थापन बटा समय, विस्थापन दूरी है, विस्थापन का बीमा एल हो जाएगा, समय का बीमा टी। अब बल बटा समय था, मतलब एल बाई टी, टी को ऊपर ले जाएंगे तो एल टी इनवर्स, तो जो बल का बीमा हो जाएगा यम एल टी पावर माइनस टू, तो जो इसका बीमा हो जाएगा यम एल टी पावर माइनस टू। अब पूरे का बटा, अब नहीं गुड़े में है, गुड़े में समयांतराल, समयांतराल का बीमा क्या होता है टी, तो अब यहाँ से टी से इसका गुणा कर देंगे तो यहाँ पर घात पॉजिटिव है, पॉजिटिव वन, यहाँ पे निगेटिव टू, तो दो में से एक घट जाएगा तो यम एल टी की पावर माइनस वन हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा, यम एल टी की पावर माइनस वन। क्यों हो गया, क्योंकि यह पॉजिटिव था, अब पॉजिटिव या इसके पास आएगा तो माइनस दो में से प्लस एक घटाएंगे तो माइनस एक आ जाएगा, तो यह किसका हो गया बीमा, आवेग का। अब हम लोग जानेंगे कोणीय आवेग, कोणीय आवेग गाइस जिसका सूत्र होता है यम बी आर। कोणीय आवेग बराबर गाइस क्या होता है, यम वी आर, यम वी आर। यम क्या होता है, द्रव्यमान, वी बराबर वेग, वेग बराबर विस्थापन बटा समय, और दूरी मीटर, मीटर का हो जाएगा एल, तो यम का बीमा क्या हो जाएगा, यम वेग है, वेग का बीमा, वेग बराबर विस्थापन बटा समय, तो विस्थापन बटा समय का क्या हो जाएगा, एल टी इनवर्स, तो यहाँ पर हो जाएगा यम एल टी इनवर्स। फिर इसके बाद यहाँ पर क्या आर है, आर मतलब लंबाई है, लंबाई की बीमा क्या हो जाएगा, यल, तो यहाँ पर इसको यल रख देंगे। नेक्स्ट फिर क्या होगा, अब इसका गुणा इसमें कर देंगे तो हो जाएगा, इसका गुणा इसमें करेंगे यम यल स्क्वायर टी की पावर माइनस वन, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यम यल स्क्वायर टी की पावर माइनस वन इसका बीमा हो जाएगा कोणीय आवेग का। अब गाइस नेक्स्ट हम लोग निकालेंगे बल आघूर्ण, बल आघूर्ण, बल आघूर्ण गाइस जिसे टाऊ से लिखते हैं, टाऊ बराबर बल गुणे विस्थापन, जो टाऊ होता है इसे किससे व्यक्त करते हैं, बल गुणे विस्थापन, या एफ इंटू डी, यह किसका सूत्र होता है, बल आघूर्ण का। तो बल आघूर्ण बराबर क्या होता है, बल गुणे विस्थापन। अभी हम लोगों ने बल का बीमा निकाला था यम एल टी पावर माइनस टू, तो इसका बीमा क्या था, यम एल टी की पावर माइनस टू। फिर इसके बाद गुणे विस्थापन था, विस्थापन मतलब दूरी, दूरी मतलब लंबाई, अब लंबाई का गुणा इसमें कर देंगे तो क्या हो जाएगा, इसका बीमा, इसका बीमा हो जाएगा यम एल स्क्वायर टी की पावर माइनस टू। तो गाइज किसका बीमा हो गया, बल आघूर्ण। तो गाइज आप लोग इसे वीडियो को स्टॉप करके रोक लीजिए, राइट कर लीजिए। अब आइए आगे चलते हैं और मात्र को, और भौतिक राशियों के मात्रा को निकालते हैं।
तो गाइज अब आइए एक बीमा और इम्पोर्टेंट है, आइए उसे निकाल देते हैं। 14वां जिसका क्या सूत्र है, आवृत्ति। आवृत्ति n बराबर 1/ समयांतराल, 1/ समयांतराल। तो बराबर 1/ समयांतराल का टी हो जाएगा या ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, टी इनवर्स। तो गाइस अभी तक मैंने जितना आपको बताया वह सब एकदम इम्पॉर्टेंट टॉपिक था। बस गाइस आज का वीडियो यहीं तक, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।